अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज हम करने वाले हैं जी MCM 301 का लेसन नंबर 28, विच इज एलिमेंट ऑफ अफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन। अच्छा जी, हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम तीन लेसन से, और 28 भी हमारा इसी बारे में है कि कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो अच्छी राइटिंग में या रिटन कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। बाकी हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ दो यहाँ पर रह गए हैं, उनको हम जल्दी से देख लेते हैं और फिर अगले लेसन में हमारे पास आ जाएगा जी नेक्स्ट टॉपिक। पाँचवा है हमारे पास कंक्रीटनेस। ठीक है, पिछले लेक्चर्स को हम रिव्यू कर लेंगे इफ़ यू वॉन्ट। कंक्रीटनेस क्या है जी, कि बिल्कुल आपने स्पेसिफिक विविड राइटिंग करनी है। ठीक है, कैसे? अगर मैं आपको कहूँ कि आई एम अ गुड स्टूडेंट एंड आई गॉट नाइस मार्क्स इन दिस सेमेस्टर, इट्स नॉट विविड, इट्स नॉट स्पेसिफिक। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि जी मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ और मैंने 3.9 CGPA लिया है या मेरा 3.9 GPA लिया है, अब आपको बात समझ आ गई। ठीक है, बिल्कुल स्पेसिफिक बात समझ आ गई। मैंने कहा कि लेट्स सपोज कि मैं कहती हूँ कि फ़लाँ चीज़ बहुत, फ़लाँ जगह जो है वो मेरे घर से बहुत दूर है। अब आपको लगता है, अब आपके लिए दूर, अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो आपके लिए दूर का कॉन्सेप्ट कुछ और है और लाहौर वालों के लिए दूर का कॉन्सेप्ट कुछ और है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सारी जगह दूर दूर होती हैं, तो वो डिफरेंस है। सही हो गया जी। अब जब मैं कह दूँगी कि इट इज़ 24 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस और इट इज़ 10 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, तो आपको पता चल गया कि अच्छा, ये इसका दूर का कॉन्सेप्ट है। सही हो गया जी। तो कोई हम कह सकते हैं कि मिसकंसेप्शन की गुंजाइश नहीं रहती जब आप बिल्कुल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन किसी को दे देते हैं। तो दूसरी चीज़ का जो आपको ख्याल रखना है कि आपने एक्टिव वॉइस में बात करनी है, पैसिव वॉइस में बात नहीं करनी। एग्जाम्पल्स यहाँ पर दी हुई हैं, उन्हें देख लेते हैं। शी इज़ अ फास्ट टाइपिस्ट। ठीक है, मे बी आप ज़्यादा फास्ट हों, आपको फास्ट की मतलब समझ नहीं आया। ठीक है, अब आपने कहा कि शी टाइप्स एट द रेट ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट, तब आपको पता चला कि अच्छा हाँ, ये वाकई फास्ट है, ये मुझसे 5 वर्ड ज़्यादा लिख लेती है। ठीक हो गया। इट्स परमिसिबल इवन डिज़ायरेबल टू यूज़ जनरल एक्सप्रेशन ओनली वन। आप जनरल एक्सप्रेशन यूज़ कब कर सकते हैं? एक तो ऐसी कंडीशन में जब आपको प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है, आपको कोई डेट है, आप उसमें कन्फ्यूज़ हैं, आपको डेट नहीं पता, नेवर मैंशन दैट। ठीक है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन है, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, नेवर मैंशन दैट, वो ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट देती है। ठीक है, या आप किसी चीज़ में डिप्लोमेटिक होना चाह रहे हैं, आप मुंह पर अगले को नहीं बताना चाह रहे। लेट सपोज़ कि आपने 3 दफ़ा किसी इंसान को मेल की, उसने आपका आंसर नहीं किया, तो बजाय कहने के कि आई हैव मेल्ड यू फॉर 3 times, आप कहेंगे यू डिडंट रिप्लाई टू माई मेल। तो आप यहाँ पर आप डिप्लोमेटिक खेलना चाह रहे हैं, आप उसे बुरा फील नहीं कराना चाह रहे, तो आपने क्या किया, फैक्ट्स को छुपा लिया। ठीक है, या ऐसा हो जाए कि एग्जैक्ट फिगर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट सी हैं, तो वहाँ पर आप मेंशन नहीं करते हैं। एक्टिव वॉइस यूज़ करने के लिए आपको कहा हुआ है कि देखें, यहाँ पर एग्जांपल्स भी दी हुई है कि डीन डिसाइडेड ज़्यादा बेहतर है ऐसा लिखने के कि अ डिसीजन हैज़ बीन मेड। तो आप एक्टिव वॉइस को यूज़ करना प्रेफर करें, कंसाइज लिखने की कोशिश करें। दैट्स इट। पैसिव वॉइस आप कब लिख सकते हैं? When you want to avoid personal blunt accusation or comments, मतलब अगर आप किसी को कुछ बुरा कहना चाह रहे हैं या उसने को किसी, मतलब जो पढ़ने वाला है गलती उसकी है, तब आप बात को पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं। या आप स्ट्रेस करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन पे, एज कंपेरेटिवली टू हु डिड इट, तो आप इस तरह सेंटेंस को मोल्ड कर सकते हैं। या इम्पॉर्टेंट ही नहीं है कि अनाउंसमेंट किसने की है, मतलब या यहाँ पे हमने कहा था ना कि जी डीन ने क्या किया है, मिस हो गया मेरे से जी, हाँ जी डीन ने डिसाइड किया है, तो अब यहाँ पर डिसीजन इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किसने लिया है, तो फिर आप इस चीज़ को मोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं जी कम्प्लीटनेस। कम्प्लीटनेस बहुत ज़रूरी है। इनकम्प्लीट मैसेज से कभी भी अगले को आपकी बात समझ नहीं आएगी, आपका जो उसके साथ कस्टमर के साथ जो ताल्लुक़ है वो ख़राब हो जाएगा, आपका कस्टमर आपसे लूज़ हो जाएगा, सेल में नुकसान हो जाएगा, दोबारा मैसेज करने की कॉस्ट जाएगी और इनकम्प्लीट ऑर्डर पर आपकी अच्छी खासी बेइज्जती होगी। ठीक है जी, तो ये सारी कम्प्लीटनेस में आती हैं चीज़ें। कम्प्लीट आपका मैसेज कैसे है या कैसे नहीं है, ये पता चलता है 5 W's and H से। वट,
who, when, where, why and how. ठीक है, ये पांच W's and H है, MCQs के लिए देख लीजिएगा कि अगर आपने इन सारों को आंसर किया है, इट मीन्स कि आपने इन्फॉर्मेशन सही तरह से दी है, अदरवाइज आपने इन्फॉर्मेशन सही तरह से नहीं दी. अच्छा जी, इसके बाद हम इसको मज़ीद डिस्कस नहीं कर रहे, यहाँ तक आई गेस कॉन्सेप्ट काफ़ी था, क्योंकि ये जो लेक्चर्स थे तीनों, जिनमें सेवन सीज को या सिक्स सीज को इस लेक्चर में डिस्कस किया गया है, सिक्स सीज को डिस्कस किया गया है, ये इंपॉर्टेंट एज सच नहीं है, क्योंकि इनसे मोस्टली आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन सेंस कि आपको कोई इनकम्प्लीट मैसेज देके कहा जाएगा कि इसमें कौन सा सी मिसिंग है, आपको कोई कह लें कि वेज मैसेज दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको कंक्रीट बनाएं, आपको कोई जो है वो इसी टाइप के कंसाइज मैसेज, आपको कोई लॉन्ग मैसेज दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसको कंसाइज करें या इसमें क्या इश्यूज़ हैं. तो ये चीज़ें पॉइंट आउट करने के लिए आपको शॉर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल से या एमसीक्यूज़ में भी इवन ये सवाल इस तर्ज पर आ सकते हैं, बनिस्बत ये कि आपसे पूछा जाए कि इन्हें डिफ़ाइन करें या ये मटेरियल आस्क नहीं किया जाता. तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.